कृषि उत्पादक संगठन FPO पोर्टल का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि व कृषि अनुसंधान देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि किसान FPO योजना के तहत ऐसे किसानों को अपना एक समूह बनाना होता है और समूह बनाने के बाद उसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना होता है। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आम किसानों को बहुत सारा फायदा मिलता है, जो कृषि उत्पादक कार्य में लगा हो या कृषि से जुड़े व्यावसायिक गतिविधि को आगे बढ़ा रहा हो, हम आगे चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि FPO लघु व सीमांत किसानों का एक ऐसा समूह होगा जिससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि उन्हें खाद, बीज, दवाएं और कृषि उपकरण आदि की खरीद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। किसानों को सेवाएं काफ़ी सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों का काम भी खत्म हो जाएगा। FPO सिस्टम के अंतर्गत किसानों को उनके उत्पादन के भाव अच्छे मिलते हैं और उन्हें सीधा एक मार्केट मिल जाता है तथा किसानों के पैदावार या उनके उपज के एवज में उन्हें एक उचित मूल्य प्राप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ के उप संपादक अजय श्रीवास्तव से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा, ऐसा है जो कृषि उत्पादन संगठनों को बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। हर प्रदेश के हर ब्लॉक में एक एक FPO हम लोग बना लेंगे और उसके बाद हर साल एक एक FPO बनाएंगे। तो इनको सुविधा कैसे FPO बनता है, उसमें क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार के फॉर्म भरने की, पंजीकरण करने की, और उनके मार्केट जो उनके पास सरप्लस है वो हर सीज़न में डालेंगे कि हमारे पास ये चीज़ सरप्लस है इस प्रजाति का, तो उससे जो है मार्केट में लोगों को पता रहेगा कि एक साथ इतना ख़रीदा जा सकता है। तो बड़ी बड़े जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं या व्यापारी हैं, वो सीधे किसानों से वहीं से फार्म गेट पे ख़रीद सकेंगे। उसको मदद करने के लिए FPO पोर्टल बनाया गया है, जो हम लोगों ने कृषि विभाग ने मिलकर बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से हम लोगों ने ये बनाया है। और ये पोर्टल जो है FPO को प्रगति देने के लिए बहुत लाभकारी होगा। जी मुख्यमंत्री, तो हर गांव में हम लोग के जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के, हमारे कृषि के जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, जो पारंपरिक खेती की जो हमारी योजना है PKVY, और हमारी जो है एक प्राकृतिक खेती की भी योजना चल रही है गो आधारित, उनके जो क्लस्टर्स बने हैं उन सबको हम लोग FPOs में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि उनको एक साथ मिलके एक उन्नत प्रजाति के, उन्नत कृषि के, उसके साथ साथ हम अश्योर्ड मार्केट दे सकेंगे और वो लोग मिलके वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, तरह तरह के कृषि उत्पादन का संस्करण करने के, प्रसंस्करण करने के, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के व्यवस्था कर सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग FPO के गठन पर बहुत जोर दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे किसानों से, जो आमदनी बढ़ाने की नई तकनीकी आई है जी, क्या कहेंगे किसानों से इसका लाभ उठाएं? बिल्कुल लाभ उठाएं, और जहाँ जहाँ उठा रहे हैं, जैसे महाराजगंज में शकरकंदी की खेती का FPO बना है, देवरिया में मशरूम की खेती को हम लोगों ने जोड़ा है FPO ने मिड डे मील योजना से, ऐसी प्रदेश में जगह जगह पर हर तरह के कृषि उत्पाद को जोड़ा जा रहा है। तो हर गाँव गाँव में ये FPOs बनेंगे तो निश्चित रूप से विविधीकरण होगा, और किसान जो FPOs हैं वो क्रय केंद्र भी खोल रहे हैं गेहूँ का, धान का, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं।